हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से एक बार नीट 2024 बॉटनी के सिलेबस में भीम बैच के अंतर्गत लिविंग बर्ड डीपीपी नंबर 3 करेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर टाइप करने होंगे कमेंट बॉक्स में। बातें नहीं करेंगे और जल्दी से जल्दी अपने आंसर देने का प्रयास करेंगे। चेक योर स्किल कि आपने कितना पढ़ा और कितना आपने सीखा। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज जीनस, स्पीसीज, क्लास, फैमिली। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है वंश, जाति, वर्ग और कुल। जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन। पेज नंबर 8, एनसीईआरटी के पेज नंबर 8 से क्वेश्चन लिया गया। जल्दी से आंसर बताएं बेटा। बेटा इसका सही आंसर है स्पीसीज। और सही आंसर क्यों स्पीसीज है, इस पर फोकस करेंगे। देखो, आपको बताया गया था कि किंगडम, इसके बाद फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। इन द 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी, ये 7 वर्गीकरण की श्रेणियां हैं जिसमें किंगडम सबसे बड़ी इकाई है, हाईएस्ट कैटेगरी है, और स्पीसीज स्मॉलेस्ट कैटेगरी है, और इसे हम वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई या स्मॉलेस्ट यूनिट कहते हैं, क्योंकि ये सबसे बाद में आती है। क्लियर हुआ? चले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, ऑल द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सॉन, फैमिली, किंगडम, हायरार्की। पेज नंबर 8, इजी मोड। सभी वर्गीकरण इकाइयों को एक साथ मिला करके कहा जाता है टैक्सॉन, कुल, जगत या वर्गीकरण की श्रेणियां। जल्दी से बताइए, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन बेटा, जल्दी से बताइए। बेटा इसका सही आंसर जो होगा, सारी जितनी भी कैटेगरीज अभी आपको मैंने बताई, किंगडम, फाइलम, क्लास, इसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद बात की हमने किसकी, ऑर्डर के बाद बात की गई फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। ये जो 7 कैटेगरीज हैं, इन सभी को एक साथ मिला करके हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं बेटा इसको, या हम इसको हायरार्की कहते हैं। और कभी कभी इन सभी को मिला करके हम यहां पर टैक्सा शब्द का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि टैक्सा बेटा जो होता है ये प्लूरल है, बहुवचन है, और यहां पर जो टैक्सॉन लिखा हुआ है ये इसका सिंगुलर फॉर्म है। अगर ऐसा ही कोई क्वेश्चन आता है कि इनमें से किसी एक कैटेगरी को क्या कहते हैं, तो हम टैक्सॉन बोलते हैं, और सभी को एक साथ मिला करके क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कह सकते हैं, हायरार्की कहते हैं, या बेटा इसको हम टैक्सा कह सकते हैं। चलिए बात करेंगे अब हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास है,
among the following process, one which one is not the basic of two taxonomy, identification, classification, collection of specimen, nomenclature. दी गई शब्दावली में से कौन सा शब्द वर्गीकी से संबंधित नहीं है, जल्दी बताइए। पेज नंबर 8 इजी मोड, जल्दी से बताइए बेटा, आंसर टाइप किया करो, बातें मत करो, जल्दी से बताइए। अच्छा क्वेश्चन, पहचान, वर्गीकरण, जंतुओं का एकत्रीकरण या उनका नाम। सही आंसर बेटा होगा इसका सी, क्योंकि देखिए आपको बताया गया था कि विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी टू डील स्टडी अबाउट द प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। यह बिल्कुल हिंदी में लिखा हुआ है कि वर्गीकरण, जंतुओं की पहचान और उनका नाम देना, उनको नाम देना वर्गीकी का आधार माना जाता है। यहां पर क्या सही नहीं है, जंतुओं का एकत्रीकरण। यहां पर पूछा गया था अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रोसेस विच वन इज नॉट पूछा गया था बेटा, तो वन इज नॉट में यही आएगा क्या कि सजीवों का या जीवों का एकत्रीकरण जो होता है वो वर्गीकी का हिस्सा नहीं है, वो टैक्सोनॉमिकल एक्ट का हिस्सा है। समझ गया, किसका हिस्सा, टैक्सोनॉमिकल एक्ट का हिस्सा है, टैक्सोनॉमी का हिस्सा नहीं है। तो चलेंगे अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो द नेमिंग सिस्टम विच इज प्रैक्टिस्ड बाई बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड वॉज गिवन बाई, सजीवों को नाम देने की एक विशिष्ट प्रणाली है जो पूरे विश्व में मानी जाती है, उसे किसने दिया। कैरोलस क्लिनियस ने दिया, आर एच विटेकर ने दिया, हेकल ने दिया या बूस ने दिया। बहुत ही सरल क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। पेज नंबर 4 एनसीईआरटी, पेज नंबर 4। सही आंसर बेटा इसका, इतनी देर नहीं लगानी है, सही आंसर इसका आ जाएगा कैरोलस क्लिनियस। द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय मिस्टर कैरोलस क्लिनियस, द्विनामकरण पद्धति को सबसे पहले किसने दिया, कैरोलस क्लिनियस ने दिया। किसने दिया बेटा, कैरोलस क्लिनियस ने दिया, और लिनियस के द्वारा दी गई नामकरण प्रणाली को आज भी पूरे विश्व में सभी साइंटिस्ट, सभी कंट्री, सभी साइंटिस्ट के द्वारा माना जाता है। क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है बहुत ही सरल क्वेश्चन। एक बार फिर से ICBM stands for, इनमें से ICBM किसके लिए बोला जाता है, किसका फुल फॉर्म है। इंटरनेशनल कोर्स फॉर ऑफ बायोलॉजिकल नेमिंग, इंटरनेशनल सेंटर फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंडिया कोड फॉर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। जल्दी से बताइए, छोटे बच्चों को भी ये बात पता होती है, जल्दी से बताइए बेटा। ICBM stand for, ICBM इनमें से किसके लिए, किसका फुल फॉर्म है। इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल नेमिंग, इंटरनेशनल सेंटर फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटर इंडियन कोड फॉर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। पेज नंबर 4 इजी मार्क का क्वेश्चन, जल्दी बोलो। सही आंसर बेटा इसका हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यहां पर इसका सही आंसर जो है वो क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ये अंतरराष्ट्रीय संहिता होती जो
वनस्पतियों के नाम को निर्धारित करती है, जो वनस्पतियों के नाम को निर्धारित करती है कौन? ICBN। अगर यहां पर लिखा होता ICZN तो आपका आंसर क्या होता? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नामनक्लेचर। क्या होता? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नामनक्लेचर। क्लियर हुआ? चलिए बात को बढ़ाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करेंगे। अगर तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर प्लेसिंग एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी इज द नॉलेज ऑफ। द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर प्लेसिंग एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी इज द नॉलेज ऑफ। किसी भी सजीव को उसके वर्गीकरण के अंतर्गत जब हम विभिन्न श्रेणियों में रखते हैं तो वो हमें क्या ज्ञात कराता है? करेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी जंतु के लक्षणों के बारे में। करेक्टर्स ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उस जंतुओं के समूह के बारे में लक्षणों को बताता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या बोथ ए एंड बी, जल्दी से बताइए। एनसीईआरटी पेज नंबर 9 इजी मोड का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी पेज नंबर 9 इजी मोड का सवाल बेटा, पेज नंबर 9 इजी मोड का सवाल, कि किसी भी जंतु का वर्गीकरण जब हम करते हैं तो उससे हमें क्या लाभ होता है? सीधे सीधे क्वेश्चन है कि किसी भी जंतु के लक्षणों के बारे में जानकारी मिलती है या उस समूह के अंतर्गत आने वाले सभी सजीवों के लक्षणों के बारे में जानकारी मिलती है या उसके द्विनामकरण के बारे में जानकारी मिलती है या पहला और दूसरा दोनों, ए एंड बी बोथ, जल्दी बताइए। सही आंसर बेटा इसका आएगा क्या? बोथ ए एंड बी। इन रियलिटी बच्चों एक बात तो आप यहां पर समझ लीजिए कि किसी भी वर्गीकरण, कोई भी जिस जंतु का वर्गीकरण किया जाता है तो उसकी जो आवश्यकता है वो दो आवश्यकताएं होती है। एक तो कम से कम समय में वो अधिक से अधिक जानकारी उस जंतु समूह के बारे में प्रोवाइड कराता है, दूसरा उस वर्गीकरण के अंतर्गत जिस जंतु का वर्गीकरण किया गया है उस इंडिविजुअल एनिमल्स के बारे में कंप्लीट एड्रेस प्राप्त हो जाता है कि इसको पूरे एनिमल किंगडम के अंतर्गत, प्लांट किंगडम के अंतर्गत या बाकी जो किंगडम है उनमें क्यों रखा गया और कहां पे रखा गया है। क्लियर हुआ? तो इस दोनों बातों को बेसिस मानते हुए हमारा आंसर सही है, बोथ ए एंड बी। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बेटा आगे। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सोलेनम इंक्लूड स्पीसीज। देखो सोलेनम के अंतर्गत कौन सी स्पीसीज आती है? गाइग्रम, मेलेंजियोना, ट्यूबरोसम या ऑल ऑफ दीज, जल्दी बताइए बेटा। पेज नंबर 9 इजी मोड, पेज नंबर 9 इजी मोड, सोलेनम इंक्लूड स्पीसीज। तो बात चल रही थी कि सोलेनम इंक्लूड स्पीसीज नाइग्रम, मेलेंजियोना, ट्यूबरोसम। सही आंसर क्या मैंने बताया? इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर सोलेनम वंश एक एक जनरा है और इस सोलेनम जनरा या वंश के अंतर्गत तीन जातियां एनसीईआरटी में है। एक तो सोलेनम नाइग्रम जिसे मकोई बोला गया, मेलेंजियोना ये बैंगन होता है बेटा, बैंगन, बैंगन जानते हो ना, हाँ। तीसरा ट्यूबरोसम, यहां पर जो ट्यूबरोसम को बात किया गया तो ट्यूबरोसम क्या है बेटा? आलू है। तो इससे दो फायदे हुए इस क्वेश्चन से, एक तो आपको फिर से याद आ गया कि सोलेनम के अंतर्गत, सोलेनम, सोलेनम के अंतर्गत नाइग्रम, मेलेंजियोना, ट्यूबरोसम तीनों जातियां आती। तीसरा बेटा मकोई, बैंगन और आलू का बोटेनिकल नेम भी आपको पता चल गया, चल गया ना। सोलेनम नाइग्रम मकोई, सोलेनम मेलेंजियोना बैंगन, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू। क्लियर हुआ? तो किसी भी क्वेश्चन की तह तक जाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा कि रट लिया। चलिए बात करते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है द टैक्सोनॉमी कैटेगरी जीनस रिप्रेजेंट, वर्गीकी के अंतर्गत वंश क्या प्रदर्शित करता है। पेज नंबर 9 इजीमोड एंड इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स किसी एक सजीव के बारे में, दूसरा ए कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स जंतुओं के संग्रह के बारे में, अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स संबंधित जातियों के समूह को वंश कहते हैं और इनमें से कोई नहीं। चलो आंसर दो बेटा, जल्दी से टाइप करो, जल्दी से टाइप करिए। क्वेश्चन नंबर था 8, जल्दी से टाइप करें। देखो बिल्कुल सीधी सी बात है, सही आंसर क्या होगा, सी। क्यों होगा? क्योंकि आपको क्या बताया गया था कि कई सारी स्पीसीज एक वंश में आती हैं या एक वंश में कई सारी स्पीसीज होती हैं। वैसे ये ज्यादा सही रहेगा कि कई सारी स्पीसीज कई सारी स्पीसीज संबंधित जातियों के एक जैसी कुछ कुछ रिलेटेड जातियों के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, जेनरा बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको? जेनरा या वंश बोलते हैं, जेनरा या वंश बोला जाता है। क्लियर हो गई बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। अब सफिक्स यूज्ड फॉर ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट टू इंडिकेट फैमिली टैक्सोनॉमी कैटेगरी इज, ये नीचे दिया गया एल्स ओनी एसी और एई, इनमें से किसे कुल में सफिक्स यानी बाद में लगाते हैं, बताइए बताइए, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। फैमिली में, फैमिली कैटेगरी को लिखते समय सफिक्स के रूप में क्या लगाया जाता है। देखो ये हमेशा हम कहते रहते हैं मजाक में कि एसी लगाओ फैमिली पाओ, एसी लगाओ फैमिली पाओ। हाँ, घर में पहले एसी लगाओ फिर फैमिली पाओ। जैसे लिली एसी, सोलेन एसी, कान बोल बुल एसी, ऐसे होता कि नहीं होता। देखो सभी में लास्ट में क्या आ रहा, एसी आ रहा। तो जब भी किसी कैटेगरी में शब्द के आगे एसी सफिक्स के रूप में लगा हो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि वो क्या है, वो बेटा फैमिली है। तो हमेशा ध्यान रखें कि फैमिली लगाओ, ओहो फैमिली नहीं लगाओ यार, क्या लगाओ, एसी लगाओ और फैमिली पाओ। राइट, उस फैमिली की बात नहीं हो रही, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या टैक्सोनॉमिक हायरार्की की बात हो रही। जो तुम कल खरीद के ले आओ एसी, सर एसी लगा लिया फैमिली नहीं हुई है, हाँ उधर नहीं भाई, उधर नहीं, इधर ही रहना। चलिए अब बात करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 9। चलिए बात करेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की। सरल क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं लगाना इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, अच्छा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा कॉलम मैच करना, मैच कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। कॉलम फर्स्ट में ऑर्गेनिजम्स का नेम है, कॉलम सेकंड में साइंटिफिक नेम है। इधर क्या क्या दिया बाबू, यहां पर दिया है लायन, लेपर्ड, टाइगर, पोटैटो। इधर दिया है पेंथरा टाइग्रिस, पेंथरा लियो, सोलेनम नाइग्रम, पेंथरा पार्डस। वेरी गुड, मैच करो भाई, मैच करो। चलो हम भी मैच कराते हैं तुम्हारे साथ। तो लाइन को बोलते हैं पेंथरा लियो, तो पहले का हो गया सेकंड, ए का हो जाएगा 2, लेपर्ड 4, पेंथरा पार्डस, तो बी का हो जाएगा
फोर, इसके बाद टाइगर पैंथरा टाइग्रिस पहला, इसका हो जाएगा पहला, तो सी का हो जाएगा एक। पोटैटो सोलेनम नाइग्रम, गड़बड़ है ये बेटा, नाइग्रम नहीं, यहां पर, यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा ट्यूबरोसम, ठीक है, ये आलू का है सोलेनम, तो यहां पर डी का क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा यहां पर तीन। तो देखो 24-13 कहीं आंसर है इसमें, इसमें देखो 24-13 कहीं आंसर है, कोड में मिलाओ पहला ही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 24-13। अब ये तुम समझ लो यार कि मैंने पहले भी कहा था कि ये आपको सारे नाम याद रखने पड़ेंगे, ये सब जूलॉजिकल और बोटेनिकल नाम कम से कम उतने तो याद ही कर लो जितने एनसीईआरटी में दिए गए, ये बार बार इसी तरीके से किसी न किसी तरीके से पूछा जाएगा। और देखो ये यहाँ पर इसने लिख रखा है कि मीडियम यानी मॉडरेट, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन जिसने याद कर रखा है उसके लिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो बाबू कोई भी क्वेश्चन जो होता है वो ना तो कठिन होता है और ना मॉडरेट होता है ना इजी होता है, जो आपको नहीं आए वो डिफिकल्ट, जो देखते ही आ जाए वो इजी, जो थोड़ा दिमाग लगाने से आए वो मॉडरेट, अपना मानना ये है, बाकी किताब और क्या लिखता है वो एक अलग मैटर है। समझ गए बात को, तो चलिए पहला पड़ाव हम लोगों ने पार कर लिया क्लास का, यानी 10 क्वेश्चन आज हमने पूरे कर लिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, अगला क्वेश्चन हमारे पास है एसर्शन जीनस में है वन और मोर देन वन स्पीसीज एपिथेट, किसी वंश में एक या एक से अधिक जातियां या जाति उपनाम पाए जाते हैं। चलो रीजन, जीनस कंप्राइजेस ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, क्योंकि जीनस कई सारी संबंधित जातियों से मिलकर के बना होता है। तो भाई आप देख के बताइए कि दोनों सही हैं, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। जल्दी बताओ, देखो ए आर की प्रैक्टिस करके चलना है, मेरे हिसाब से तो इसका ए आंसर होना चाहिए, क्योंकि दोनों बातें बिल्कुल बेटा सही हैं कि जीनस में है वन और मोर देन वन स्पीसीज एपिथेट, एक वंश में एक से अधिक जातियां पाई जाती हैं अथवा एक या एक से अधिक जातियां मिलकर के एक जिंदा बनाती, चूंकि एक जीनस के अंतर्गत या एक वंश के अंतर्गत संबंधित जातियों को ही रखा जाता है, तो ए एंड आर बोथ आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा यहां पर द टैक्सोनॉमी कैटेगरी ऑर्डर लाइज बिटवीन जीनस एंड स्पीसीज, जीनस एंड फैमिली, फैमिली एंड क्लास, क्लास एंड फाइलम, कि जो टैक्सोनॉमी कैटेगरी में ऑर्डर आता है वो किसके बीच में आएगा, किसके बीच में आएगा, जल्दी से देखो, जल्दी से आंसर बताओ। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना होता है आपको, सबसे पहले आप किंगडम, किंगडम के बाद क्या करोगे, किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, और फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीसीज। अब देखो यहां पर कहा ऑर्डर की बात कर रहा है, तो ऑर्डर किसके किसके बीच आ रहा है, इनके इनके बीच आ रहा है, किसके किसके बीच आ रहा है, क्लास और फैमिली के, या फैमिली और क्लास के बीच की कैटेगरी को ऑर्डर कहते हैं। अब इसमें से देखो कोई ऑप्शन ऐसा है, जीनस एंड स्पीसीज नहीं होगा, जीनस एंड फैमिली नहीं होगा, फैमिली एंड क्लास मिल गया, देखो फैमिली एंड क्लास के नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो फैमिली एंड क्लास, क्लास एंड फाइलम नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा सी। क्लियर हो गई बात,
इसका सही आंसर क्या आएगा बेटा? सी आएगा। चलें आगे, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से निम्नलिखित कथन में से सही कथन को चुनना है। ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पीसीज एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलेनम। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेनली रिप्रोडक्शन फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज। ऑर्डर इज अ हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड इज आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। जल्दी से बताइए आंसर, जल्दी से आंसर बताइए। देखो इसमें से जो आंसर आ रहा है उसकी अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर, अब बेटा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट का इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, सही कथन नहीं गलत कथन को चुनना है। देखो हमसे भी गलती हो रही थी, है ना। अब चलो इनकरेक्ट देखना। Each genus में है वन आर मोर देन वन स्पीसीज एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये बात बिल्कुल सही है कि कई जातियों के समूह को एक वंश कहते हैं, बिल्कुल राइट। दूसरा, पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलेनम। बिल्कुल सही बात है कि आलू और बैंगन दोनों अलग अलग जातियां हैं जबकि एक ही वंश सोलेनम में रखी गई है। तीसरा, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेनली रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज। इसमें थोड़ा लोचा लग रहा है, लोचा ये लग रहा है बेटा इसमें कि इसके साथ साथ हम और करेक्टर्स पर भी ध्यान देते हैं, यानी उसके वेजिटेटिव लक्षणों पर, वृद्धि लक्षणों के आधार पर भी हम किसी कुल का निर्धारण करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए बात करेंगे सही की। तो इसमें से, इसमें से जो चार कथन है ये सी कथन यहां पर हमको गलत लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें। देखो यहां पर अगर हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन कह रहा है कि फिशेस एम्फीबियंस रेप्टाइल्स एंड बर्ड रिप्रेजेंट व्हिच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। फिश एम्फीबियंस रेप्टाइल्स एंड बर्ड रिप्रेजेंट विच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। क्लास, फाइलम, ऑर्डर, किंगडम। फिश एम्फीबियंस रेप्टाइल्स एंड बर्ड सभी को किसमें रखा जाएगा बेटा? ये सभी एक ही फाइलम के अंतर्गत आएंगे और वो फाइलम होगा कार्डेटा। सही आंसर इसका आएगा सेकेंड। फिश एम्फीबियंस रेप्टाइल्स एंड बर्ड रिप्रेजेंट विच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। ये सभी के सभी एक ही टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में तब आ सकते हैं जब ये फाइलम के अंतर्गत, यानी पाइसेस अलग क्लास है, एम्फीबिया अलग क्लास है, रेप्टिलिया रेप्टाइल्स अलग क्लास है, एवीज अलग क्लास है। ये सभी एक ही साथ इंक्लूड कब होंगे? जब फाइलम के अंतर्गत आएंगे या फाइलम कार्डेटा में आएंगे। क्लियर हुआ बात? चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 14। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें अगर, तो द फाइलम द
The phylum taxon of animals classification is equivalent to which taxon of plant classification? जब हम किसी पौधे का वर्गीकरण कर रहे होंगे तो संघ के स्थान पर किस कैटेगरी का यूज करेंगे? क्लास, डिवीजन, ऑर्डर या फैमिली का? जल्दी बोलो। एनसीईआरटी पेज नंबर 10 इजी मोड। जल्दी से बोलो बेटा, इसका सही आंसर आएगा क्या? आएगा डिवीजन। इसका सही आंसर क्या आएगा? डिवीजन आएगा। क्यों डिवीजन आएगा? क्योंकि हमने आपको बताया था कि फाइलम कैटेगरी यूज्ड फॉर द एनिमल्स एंड डिवीजन यूज्ड फॉर द प्लांट्स। जब भी पौधों का वर्गीकरण करेंगे तो हम क्या लगाएंगे? डिवीजन। और जब हम एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे तो सेम कैटेगरी यानी डिवीजन की जगह पर केवल फाइलम लिख दिया जाएगा। क्लियर हो गया? सही आंसर क्या होगा बेटा? बी इसका। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। काफी बड़ा बड़ा दिख रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 16, रिफर टू द गिवन फिगर शोइंग हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इन द असेंडिंग ऑर्डर। इन द फिगर सम टैक्सा आर लेबल्ड एज ए, बी एंड सी एंड डी। विच टैक्सॉन विल शो मैक्सिमम सिमिलर कैरेक्टर्स अमोंग इट्स मेंबर, आइडेंटिफाई इट। क्वेश्चन समझ पाए? दिया गया चित्र जो है ये वर्गीकरण श्रेणियों की एक व्यवस्था है जिसमें सभी को नीचे से ऊपर की ओर रखा गया है। फिगर में ए, बी और सी तथा डी टैक्सोन विल बी शो मैक्सिमम सिमिलर कैरेक्टर। यहां पर सबसे ज्यादा क्या समान लक्षण किस कैटेगरी में होंगे? देखो, इसके लिए एक बात बताई गई थी आपको कि हम जब भी नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे लक्षणों की समानता घटेगी और ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो लक्षणों की समानता बढ़ेगी। क्लियर हो गया? अब चलो इसमें से सही आंसर बताओ क्या होगा। सबसे ज्यादा समान लक्षण कहां पर होंगे? चलो इसको पहले लिख लेते हैं अपन। ये हो जाएगा स्पीसीज। ये यहां पर क्या है? ये यहां पर है स्पीसीज और जीनस के बाद क्या आएगा? फैमिली। और फैमिली के बाद क्या आएगा? ऑर्डर। ऑर्डर के बाद क्या आता है? क्लास। और क्लास के बाद फाइलम, फाइलम के बाद किंगडम। ठीक है, तो इसमें तो आंसर फैमिली और एक मिनट रुकिएगा बेटा, देखता हूं जरा क्या होगा इसका। देखो इस क्वेश्चन में कुछ लोचा लग रहा है लेकिन आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि विच टैक्सॉन विल शो मैक्सिमम सिमिलर कैरेक्टर अमंग इट्स मेंबर्स, आइडेंटिफाई इट। अब ये ऑप्शन सिस्टम कुछ गड़बड़ लग रहा है। आप सीधे सीधे बात को समझो, हमने क्या कहा था
कि जब हम स्पीसीज से किंगडम की ओर जाएंगे तो क्या होगा, सिमिलरिटी घटेगी, लेकिन जब हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ आएंगे तो सिमिलरिटी हमेशा बढ़ेगी। तो मैक्सिमम सिमिलर कैरेक्टर की अगर बात कर रहा है तो स्पीसीज होगा, उसके बाद जीनस में मैक्सिमम सिमिलर होंगे, और जीनस के बाद मैक्सिमम सिमिलर होंगे फैमिली में, और फैमिली के बाद जो सिमिलर होंगे वो ऑर्डर होगा, और ऑर्डर के बाद जो सिमिलरिटी आएगी वो क्लास में आएगी, और क्लास के बाद जो सिमिलरिटी आएगी वो फाइलम में, फाइलम के बाद किंगडम। यानी जो हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम है उसमें सबसे कम सिमिलर होंगे, और नीचे की तरफ जैसे जैसे आप आते जाओगे वहां पर सिमिलरिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, ऑप्शन पर मत जाइए, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पे जाइए। चलिए बात करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात की जाए तो द किंगडम दैट कंप्राइजेस ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिवीजन इज प्लांटी एनिमलिया कॉर्डेटा मैमल्स। यानी पादप जगत में क्या पूछ रहा, द किंगडम दैट कंप्राइजेस ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिवीजन इज, इनमें से कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के पौधों के डिविजन्स को रखा गया है। तो बेटा एनिमलिया तो जंतु की बात है, मैमल्स जो है वो कॉर्डेटा का क्लास है, और कॉर्डेटा स्वयं में एक फाइलम है। एकमात्र यहाँ पर ऑप्शन बच रहा है, आंख बंद करके लगाइए, प्लांटी। पादप जगत के अंतर्गत उसके सारे डिविजन्स को यहाँ पर रखा गया है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर ये था 17, क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें इस ए टैक्सोनॉमिक हायरार्की ऑन मूविंग फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी अभी यही बात बताई थी मैंने कि जब हम किसी भी वर्ग की श्रेणियों के अंतर्गत जाति से जगत की ओर जाते हैं तो समान लक्षण बिल डिक्रीज घट जाते हैं, रिमेन सेम, कोई परिवर्तन नहीं होता, बिल डिक्रीज बढ़ जाते हैं, में इंक्रीज और डिक्रीज। बहुत इजी, अब की बार तुमको ही जवाब देना पड़ेगा, जल्दी से बोलो इसका सही जवाब, जल्दी से बोलो। इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की ऑन मूविंग फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमेशा क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, विल डिक्रीज, हमेशा लक्षण घटेंगे बेटा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर फ्रॉम द फॉलोइंग इन केस ऑफ प्लांट क्लास विद ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर आर अलाइन टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। ये तो बिल्कुल बड़ी गलत बात लिख दी इसने, इन केस ऑफ प्लांट और फाइलम लगा रहा है, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि फाइलम कब लगेगा जब यहां पर एनिमल्स होता, तो पहला वाला स्टेटमेंट पहले से गलत हो गया। दूसरा, सब कैटेगरीज हैव आल्सो बीन डेवलप्ड इन द टैक्सोनॉमिक हायरार्की टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टैक्सा। अगला है क्लास इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर। अच्छा, फिर इसके बाद देयर आर कॉनवोल्वुलेसी फैमिली इज इंक्लूडेड इन पॉलीमेनियल्स ऑर्डर वन द बेसिस ऑफ इट्स फ्लोरल कैरेक्टर्स। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, जल्दी से बताइए बेटा इसका आंसर, बताइए जल्दी से। देखिए सभी में कुछ ना कुछ गड़बड़ था, इसका सही आंसर क्या है कि जब हम किसी कैटेगरी के साथ सब कैटेगरी लगाते हैं, जब भी हम क्या करते हैं बेटा, यहां पर
पहली वाली बात तो मैंने पहले ही आपको बताई कि ये गलत है। तो पहले वाली बात में क्या है, डिवीजन की जगह यहां पर प्लांट्स की बात करा तो फाइलम वाली बात गलत हो गई, बिल्कुल गलत है, हमें करेक्ट चूज करना है। तो मैं बात कर रहा था सेकंड की। सेकंड में बेटा यहां पर क्या होने वाला है कि जब भी हम सब कैटेगरी जैसे सब फाइलम, सब ऑर्डर या सब फैमिली शब्दों का प्रयोग करते हैं तो किसी के वर्गीकरण में और अधिक क्लियरिटी लाने के लिए हम सब कैटेगरीज का प्रयोग करते हैं। तो एक स्टेटमेंट तो ये वाला सही है, और दूसरे स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, क्लास इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स, ये वाला मुझे सही लग रहा कि कई सारे ऑर्डर आपस में मिलकर के एक क्लास बनाते हैं। बाकी सारी बातें बाकी हमको गड़बड़ लग रही हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये कौन सा था भाई, 19 था, क्वेश्चन नंबर 19 था। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। फिर से एक बार बेटा यहां पर मैचिंग आ गई और मैचिंग करा लेते हैं, बहुत आसान लगते हैं हमको तो मैचिंग वाले क्वेश्चन। तो ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 20। जाइएगा नहीं, अभी और क्वेश्चन है यार, 20 के बाद भी है। हाँ, जो भाग खड़े हो कि 20 कराते रोज। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड विद कॉलम सेकंड फॉर हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। वेरी गुड। इसमें उसका जो घरेलू मक्खी होती है उसका वर्गीकरण दिया गया है, और इधर उनके कॉलम सेकंड में कैटेगरीज लिखी हुई है, उसको मैच कराना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, चलो मैं ही कराता हूं, आप देखो इसका क्या हो जाएगा। फाइलम आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, फैमिली मसाइडी होती है इसकी, ऑर्डर डिप्टेरा होता है इसका, और क्लास इंसेक्टा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें अगर फैमिली की, तो ए का हो जाएगा 3। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर डिप्टेरा है तो बी का हो जाएगा 1। फिर इसके बाद क्लास की बात करें तो क्लास है सी, और इसका हो जाएगा 4। और अब क्या बच रहा, फाइलम, तो फाइलम इसका क्या है, आर्थ्रोपोडा 2, तो डी इसका हो जाएगा 2। तो 31-42 कोई ऑप्शन है इसमें, 43-21, 42-13, 31-42, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3। इसका सही आंसर हो जाएगा 3। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। फिर से एक बार एसर्शन, एसर्शन की अगर बात करें तो बात करते हैं एसर्शन रीजन की। तो लिखा हुआ है बेटा किस नंबर क्वेश्चन में, ऑर्डर इज द Assemblies of families which exhibit a few similar characters. Region plant family polymonials is included in the order Solanaceae based on the floral character. जल्दी से बताइए, आंसर बताइए इसका। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो assertion बिल्कुल सही जा रहा है, order is the assemblies of family which exhibit a few similar character. और प्लांट फैमिली पॉलीमोनियल्स इज इंक्लूडेड इन द ऑर्डर सोलेनेसी बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर। देखो बात तो जो रीजन की करें तो रीजन बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, एसर्शन सही लग रहा है। तो बाबू इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, इसका सही आंसर है सी। चलिए बात करते हैं आगे, फिर से एक बार एसर्शन 5 नंबर में, Wheat belong to the family Poaceae, सही है। Wheat is the member of order Poales, ये भी सही लग रहा मेरे हिसाब से। जल्दी से बताओ, तुम बताओ सही है कि गलत है। देखो ये दोनों बातें सही मैंने कही हैं, लेकिन यहां पर ध्यान दें कि both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. इस बात का ये एक्सप्लेन नहीं है, बात दोनों सही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब हम लोग
अगले और 23rd लास्ट क्वेश्चन की टैक्सोनॉमी स्टडीज रिक्वायर्ड करेक्ट क्लासिफिकेशन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज ऑल ऑफ दीस। तो यहां अगर हम बात करें तो ये तीनों बातों का स्टडी कराती है बच्चों। तो इस प्रकार आज की क्लास खत्म होती है और लगातार अपनी तैयारी को पूरा रखने के लिए और मेडिकल कॉलेज जाने के लिए जुड़े रहिए राहुल सर के साथ, क्योंकि आपका अपना स्लोगन है कि जो एमसीक्यू करेगा वो डॉक्टर बनेगा। बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं नई क्लास में।